जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास भवन के सभागार में उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करें और उपायुक्त उद्योग औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण कर उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए समय सीमा के अंतर्गत उसका निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि बैठक में संबंधित अधिकारी स्वयं प्रतिभाग करें, शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि उसका लाभ पात्रजनों को समय से मिल सके। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उद्योग बंधु का गठन किया गया है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों तथा विभिन्न विभागों के मध्य सीधा संवाद एवं समन्वय स्थापित करना, उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण तथा अधिकाधिक औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना है। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने गीरा क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों की प्रगति के संबंध में समीक्षा के दौरान बताया कि इस क्षेत्र में गारमेंट पार्क, आईटी पार्क, होटल मैनेजमेंट, फ्लैटेड फैक्ट्री, बिजनेस कॉरिडोर, कैंसिलेशन एवं अलॉटमेंट ऑफ वैकेंट लैंड इन गीडा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट प्लान आदि मामले प्रस्तावित हैं। गारमेंट पार्क के संबंध में बताया कि सेक्टर 26 भीटी रावत में गारमेंट पार्क के अंतर्गत 101 भूखंडों का विज्ञापन प्रकाशित कराया गया, जिसके सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों का साक्षात्कार समिति द्वारा किया गया, जिसके विज्ञापन के सापेक्ष 74 आवेदनों में से 56 आवेदकों के पक्ष में भूखंड का आवंटन किया गया था। 19 आवंटी द्वारा भूखंड समर्पण कर दिया गया है। अवशेष भूखंडों के विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीना, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, आईएएस प्रशिक्षु शाश्वत त्रिपुरारी सहित उद्यमी उपस्थित रहे। एक्सटेंशन जो बीड़ा लेता है 2 साल के बाद, अगर 2 साल आवंटन के बाद उद्योग लगाने का समय दिया जाता है, जैसे 2 साल पूरा होता है 1% लैंड वैल्यू के बाद 1 साल लग जाता है। इंजीनियर नहीं है इसमें वो इंडस्ट्री को पहले दिखाया जाना, ये प्लॉट